हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द खोसलास थ्योरी। इन प्रीवियस लेक्चर इन द डाइवर्जेंट हेडवर्क वी डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट ऑफ द डाइवर्जेंट हेडवर्क्स एंड द ब्लाइस क्रीप थ्योरी, ब्लाइस क्रीप लेंथ थ्योरी। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द खोसला थ्योरी ऑफ द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द खोसला थ्योरी। So in the past study in the upper Chenab Canal in Punjab, in 1910, there was a study on the upper Chenab Canal in Punjab. It is found that a lot of the dams and the weir designed on the basis of the Bliss creep theory, which is previously given by the Bliss and the Lane's theory. तो जो काफ़ी सारे जो weir और dam जो थे वो अपर चिनाब कैनाल के अंदर डिज़ाइन हुए थे ऑन द बेसिस ऑफ द ब्लाइस थ्योरी, आर फाउंड दैट दे आर द फेल इन द प्रैक्टिकल। फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ द साइफन डिज़ाइन ऑन द ब्लाइस थ्योरी बाय एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पाइप इंसर्टेड इन द फ्लोर ऑफ द टू ऑफ द साइफन डज नॉट शो एनी रिलेशनशिप विद द प्रेशर कैलकुलेटेड ऑन द ब्लाइस थ्योरी, दिस लीड टू द फॉलोइंग कंक्लूजन बाय द खोसला। तो क्या हुआ था कि जो डिज़ाइन फेल हुआ था वियर के और डैम्स के कहीं, तो फिर क्या हुआ, खोसला और उनके एसोसिएट के द्वारा क्या हुआ, इसके ऊपर एक टेस्टिंग की गई, एक इसका टेस्टिंग ऑब्जर्वेशन की गई बाय इंसर्टिंग पाइप्स इन द टो ऑफ द कैनाल एंड मेजर द प्रेशर। तो ऑन द प्रैक्टिकल दैट इज़ फाउंड दैट द आउटर फेस दैट द प्रेशर मेजरमेंट अकॉर्डिंग टू द ब्लाइस थ्योरी। ब्लाइस थ्योरी क्या कहता था कि जो भी प्रेशर है वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी क्रीप लेंथ के ऊपर। जितना भी वाटर का जो पाथ है, जो सीपेज वाटर का पाथ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके एग्जिट ग्रेडियंट कितना होगा और कितना नंबर ऑफ सीपेज के ऊपर डिपेंड करता था अकॉर्डिंग टू ब्लाइस थ्योरी। लेकिन जब खोसला ने इसको वापस से इसी को थ्योरी को वापस से डिज़ाइन किया कि ये जो है जो सीपेज प्रेशर है या जो भी डिज़ाइन है वो सिर्फ क्रीप लेंथ के ऊपर पूरी तरह से, इसको क्रीप लेंथ के ऊपर ही इसको पूरी तरह से हम नहीं मान सकते कि ये उसी पे डिपेंड करेगा। तो ऑन द प्रैक्टिकल देयर वाज सम कंक्लूजन गिवन बाय द खोसला दैट द आउटर फेस ऑफ द एंड शेप्ड पाइल विच वाज मच मोर इफेक्टिव देन द इनर वंस एंड द हॉरिजेंटल लेंथ ऑफ द फ्लोर। तो जो ब्लाइस थ्योरी में जो बताया गया था कि जितनी ज़्यादा आप हॉरिजेंटल लेंथ बढ़ाएंगे फ्लोर की, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, प्रेशर का वैल्यू, सीपेज प्रेशर की वैल्यू उतनी कम होगी। लेकिन जब खोसला ने इसको वापस ऑब्जर्व किया तो क्या बताया कि ये सिर्फ हॉरिजेंटल लेंथ ऑफ द फ्लोर पर डिपेंड नहीं करता। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया था कि जो एंड शीट्स पाइल्स जो होती है उनके जो आउटर फेस हैं, ये जो आउटर फेसेस हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं इन द केस एज़ कम्पेयर टू द इनर फेस। तो क्या होगा, जो आउटर फेस हैं एंड शीट पाइल्स के वो ज़्यादा इफेक्टिव हो गए एज़ कम्पेयर टू द इनर फेस ऑफ द शीट्स पाइल्स। दूसरा कंक्लूजन उन्होंने ये बताया था कि इंटरमीडिएट पाइल्स ऑफ द स्मॉलर लेंथ वर इन इफेक्टिव एक्सेप्ट ऑफ द लोकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर जो इंटरमीडिएट पाइल है अगर उनकी लेंथ क्या हो बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो वो कैसे रहेगी, इनफेक्टिव रहेगी, उनका किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होगा ऑन द सीपेज प्रेशर। थर्ड बताया था कि अंडरमाइनिंग ऑफ फ्लोर इज स्टार्टेड फ्रॉम द टेल एंड, जो अंडरमाइनिंग होगा बिकॉज ऑफ द सीपेज प्रेशर, जो सॉइल जो है वो सीपेज के साथ में जो एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएगी फ्रॉम द टो, वो कहाँ से होगा, टेल एंड की तरफ से। नेक्स्ट उन्होंने बताया, चौथा उन्होंने कंक्लूजन दिया कि इट वाज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू हैव ए रिस्पॉन्सिबल डीप वर्टिकल कट ऑफ एट द डाउन स्ट्रीम एंड टू प्रिवेंट द अंडरमाइनिंग। और उन्होंने ये बताया कि जो ये जो सर डाउन स्ट्रीम एंड है किसी भी वियर का, तो जो शीट पाइल है वो क्या हो, उसकी लेंथ कंसिडरेबली इतनी होनी चाहिए कि वो क्या रोक सके, इस अंडरमाइनिंग को या इस सीपेज प्रेशर की वजह से जो क्या होगा, जो वाटर जब डाउन स्ट्रीम पर निकलेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सॉइल भी अपने साथ में, सॉइल पार्टिकल भी वाटर अपने साथ में लेके बाहर निकलेगा, उसकी वजह से क्या होगा, अंडरमाइनिंग होगी। तो क्या हो, जो जो एंड शीट पाइल है द डाउन स्ट्रीम एंड, उसकी क्या होनी चाहिए,
लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए या कंसिडरेबली इतनी लेंथ होनी चाहिए कि वो इस अंडरमाइनिंग पाइल्स अंडरमाइनिंग्स को रोक सके। फोर्थ कंक्लूजन उन्होंने ये दिया कि इट वॉज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू हैव ए रीजनेबली डीप वर्टिकल कट ऑफ ए डाउनस्ट्रीम एंड। फिफ्थ उन्होंने दिया कि खोसला एंड हिज एसोसिएट टू केट एंड टू अकाउंट दैट द फ्लो पैटर्न बिलो द इम्परवियबल बेस ऑफ द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर टू कैलकुलेट अपलिफ्ट प्रेशर एंड एग्जिट ग्रेडियंट। जो ब्लाइज थ्योरी में था उसके अंदर क्या बताया गया था कि अपलिफ्ट प्रेशर के बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया था और एग्जिट ग्रेडियंट को इतना ज़्यादा एग्जिट ग्रेडियंट की कोई वैल्यू उसमें सही से डिफाइन नहीं कराई थी। तो खोसला थ्योरी के अंदर क्या किया, एग्जिट ग्रेडियंट को भी मच मोर वेटेज दिया गया है और एग्जिट ग्रेडियंट कितना होना चाहिए, कितना एग्जिट ग्रेडियंट रहना चाहिए। क्या होता है कि अगर एग्जिट ग्रेडियंट की वैल्यू क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, जो कि वाट स्ट्रक्चर है उसके नीचे से क्या होगा, एक कैविटी फॉर्म हो जाएगी और अगर वाटर क्या हो जाएगा बहुत उस स्ट्रक्चर के लिए डाउन स्ट्रीम एंड से बाहर निकलेगा और एक सॉइल भी अपने साथ लेकर साथ में चला जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि स्ट्रक्चर के नीचे क्या हो जाएगी, कैविटी फॉर्म हो जाएगी। तो कभी भी एग्जिट ग्रेडियंट की वैल्यू किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से। लेकिन एग्जिट ग्रेडियंट की कितनी वैल्यू है एक स्ट्रक्चर के लिए, एक वेयर के लिए कितनी परमिसिबल वैल्यू होनी चाहिए, इसकी वैल्यू के बारे में ब्लाइज ने पहले कुछ बताया नहीं था। तो खोसला थ्योरी के अंदर ये भी है कि एग्जिट ग्रेडियंट की कितनी मच वैल्यू परमिसिबल है एक वेयर की डिज़ाइन के लिए, एक डैम के डिज़ाइन के लिए, उसकी एक वैल्यू खोसला ने अपनी थ्योरी में सही से डिफाइन करी है। इसके अलावा क्या था, स्टार्टिंग विद अ सिंपल केस हॉरिजॉन्टल फ्लो विद नेग्लिजिबल स्मॉल थिकनेस। इसके अलावा उन्होंने बताया था कि सीपेज वाटर बिलो ए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर डज नॉट फॉलो द बॉटम प्रोफाइल ऑफ द इम्परवियस फ्लोर एज स्टेट बाय द ब्लाइज बट ईच पार्टिकल ट्रेस इट्स पाथ अलोंग ए सीरीज ऑफ स्ट्रीम लाइन्स। तो ब्लाइज थ्योरी के अंदर क्या बताया गया था कि वो जो वाटर है वो कैसा होता है, इम्परवियस फ्लोर के बिल्कुल नीचे इस तरह से फ्लो करता रहता है। तो खोसला ने यह बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये गलत है, और जो वाटर है वो अलग अलग स्ट्रीम लाइन्स के अंदर रहेगा। जो कि खोसला ने बताया था कि वाटर जो है वो अलग अलग स्ट्रीम लाइंस होती है, जो फ्लो नेट डायग्राम बनता है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लो नेट्स बनते हैं बिलो द स्ट्रक्चर, और जो सॉइल का जो वाटर सॉइल में से जो वाटर का फ्लो होगा वो अलग अलग फ्लो नेट डायग्राम के थ्रू उन्होंने डिस्क्राइब किया था, नॉट अकॉर्डिंग टू द ब्लाइज थ्योरी। सो नाउ मेथड ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज गिवन बाय द खोसला। तो इसके अंदर उन्होंने बताया था कि मोस्ट ऑफ डिजाइन डज नॉट कन्फर्म एन एलिमेंट्री प्रोफाइल, इन एक्चुअल केसेज वी हैव ए नंबर ऑफ पाइल्स एट अपस्ट्रीम लेवल एंड डाउनस्ट्रीम लेवल एंड इंटरमीडिएट पॉइंट्स एंड द फ्लोर ऑल्सो हैज सम थिकनेस। उन्होंने यही बताया था कि एक वेयर की डिज़ाइन के अंदर कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होती है, इसमें अपस्ट्रीम पे, डाउनस्ट्रीम पे, इंटरमीडिएट पॉइंट्स पे भी कई जगह पाइल्स दी जाती है। उसके अलावा जो फ्लोर होता है उसकी भी एक थिकनेस खोसला ने अपनी थ्योरी में बताई थी, जो कि पहले ब्लाइज थ्योरी में नहीं बताई थी। ब्लाइज थ्योरी में बताया गया था कि फ्लोर की थिकनेस को उन्होंने नेग्लिजिबल मान के चले थे। तो वही है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर खोसला सॉल्व द एक्चुअल प्रॉब्लम बाय एम्पिरिकल मेथड नॉन एज द मेथड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ द ब्रेकिंग अप ए कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल इंटू ए नंबर ऑफ सिंपल प्रोफाइल ईच ऑफ विच इज इंडिपेंडेंटली एमिएबल ऑफ टू मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देन अप्लाई करेक्शन ड्यू टू द थिकनेस ऑफ स्लोप ऑफ फ्लोर। तो बस वही है, उन्होंने जो पूरे डिज़ाइन का जो था वियर के डिज़ाइन के उसके अलग अलग हिस्सों को, अलग अलग पार्ट्स को अलग से मैथमेटिकली उन्होंने उनको सॉल्व किया, कितना प्रेशर होना चाहिए, कैसे डिज़ाइन होनी चाहिए, उनको अलग अलग लिया गया। तो वैसे ये एक जैसे आप देख रहे हो ये एक फिगर है, एज एन एग्जांपल द कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल शो इन द फिगर इज ब्रोकन अप टू द फॉलोइंग सिंपल प्रोफाइल। जैसे कि एक फिगर है, ये इसका अपस्ट्रीम लेवल है, ये इसका डाउनस्ट्रीम लेवल है, तो ये अपस्ट्रीम लेवल की पाइल है, ये डाउनस्ट्रीम लेवल की पाइल है, इंटरमीडिएट पाइल है। तो क्या करा उन्होंने, क्या करा इस पूरे प्रोफाइल को अलग अलग हिस्सों में बांट लिया और फिर उसके ऊपर क्या करा उनका प्रेशर काउंट किया गया। तो इन दिस मेथड द एक्चुअल प्रोफाइल ऑफ द वियर विच इज़ कॉम्प्लेक्स इज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ सिंपल प्रोफाइल ईच ऑफ विच कैन बी सॉल्व मैथमेटिकली विदाउट मच डिफिकल्टी। तो सबसे पहले क्या लिया था, जैसे ये अपस्ट्रीम लेवल है, तो
तो ये जैसे ये प्रोफाइल है, इसके अंदर कुछ क्या अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम लेवल पे कुछ फाइल्स प्रोवाइड कराई गई है। इसके अलावा क्या कराया है उन्होंने, दूसरे कुछ और दूसरे वीडियोस में उसने क्या करा कि उसके अंदर उन्होंने क्या करा, फ्लोर की थिकनेस को भी मान के चले, एक सम डेप्थ डी सम डेप्थ के अंदर कुछ डेप्थ है फ्लोर की डिप्रेस बिलो द बेड लेवल, तो उसकी वजह से उसके प्रेशर के अंदर उसके डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या चेंजेस आया वो भी इसमें बताया गया है खोसला थ्योरी के अंदर। इसके अलावा थर्ड पॉइंट जो था उन्होंने बताया था कि अगर शीट पाइल्स है वो कोई सी इंटरमीडिएट्स पॉइंट के अंदर प्रोवाइड कराई गई है, जैसे कि ये डाउन स्ट्रीम है ये डाउन स्ट्रीम है, इस बीच के अंदर भी कहीं जगह इंटरमीडिएट्स पाइल्स प्रोवाइड कराई जाती है, तो उस इंटरमीडिएट पाइल्स को प्रोवाइड कराने की वजह से उसके फ्लोर के उसके अंदर प्रेशर के अंदर के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में भी खोसला ने बताया है। तो यही कुछ तीन चार तरह से उन्होंने इसको तीन चार स्टेजेस में उन्होंने इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल को डिवाइडेड कर दिया है, जिससे क्या अप स्ट्रीम पे डाउन स्ट्रीम के ऊपर पाइल्स के अंदर क्या उसके प्रेशर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उनके हेड के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसकी सब स्टडी उन्होंने बताई है। इसके अलावा उन्होंने एग्जिट ग्रेडियंट्स की भी एक फार्मूला दिया गया है और कुछ करेक्शन भी बताए गए हैं जो कि उस अवेयर के प्रोफाइल के अंदर एप्लीकेबल है। तो इन सब करेक्शन के बारे में और क्या क्या प्रेशर्स के उन्होंने फार्मूलाज दिए हुए इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द खोसला थ्योरी, क्योंकि बिकॉज न्यूमेरिकल से आपको इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। सो टिल देन बाय, वी डिस्कस अबाउट दिस लेटर।